पवई पुलिस के सामने न्यूटन सैमुअल जोशुआ पर रिवाल्वर और चॉपर से जानलेवा हमला और इस मामले में आरोपियों की अब तक कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। न्यूटन सैमुअल जोशुआ का कारोबार भी छीन लिया गया है, साथ ही धमकी और मारकर सर फोड़ दिया, यानी कि कई बार जानलेवा हमला किया गया। यह घटना तकरीबन एक साल पहले की है, जहां दादागिरी दिखाते हुए न्यूट्रल सैमुअल जोशुआ का प्रॉपर्टी पर अवैध तरीके से कुछ गुंडों ने कब्जा कर लिया है और इस मामले में अब तक पवई पुलिस सिर्फ छानबीन कर रही है। मैं न्यूटन जोशुआ है, पवई हीरानंदानी से 30 साल से रहता हूं। मेरा ज्वेल फूड कोर्ट और ज्वेल पान हाउस करके साइप्रस बिल्डिंग शॉप नंबर 11, इसमें मेरा फास्ट फूड है जो जिसको मैं 30 साल से इधर चलाता हूँ। और इसमें मैं 2008 में मेरा साथ दो पार्टनर है, एक मेरा भाई कैल्विन और एक है हीरो चावला। और मैं इसका जो इनकम टैक्स और जिसका इसका वैट जीएसटी मैं करीबन 2000 से भर रहा हूँ। और उसका बाद ये जो प्रॉपर्टी छीनने के लिए ये मेरा कैल्विन और हीरो चावला किसी दूसरा का सपोर्ट लेके जनवरी में मेरा बेन का लड़का सैमसन सुकुमार ये जो गैंग वाला गैंगस्टर लड़का लोग और लेडीज़ को लेके आके जिसका नाम है बच्चा सिंह ठाकुर बच्ची जो ताना जेल से छुटा है, जो संजू मलाड दोत्रे जो रॉबरी में 13 साल का बाद पकड़ा था एंटी एक्सट्रोशन सेल, और मकबूल मूसा शेख जो क्रिमिनल किडनैपिंग और है, और उसका बाद नीलोफर शेख जिसके ऊपर चीटिंग है अमीना शेख और बबलू गुप्ता, ये काफ़ी लोग इसमें इन्वॉल्व होके और पुलिस मैनेज करके रामनगर पुलिस पवई पुलिस स्टेशन और डीसीपी जो रेड्डी है इनको भी इन्फ्लुएंस लगा के और ये लोग ने मेरा होटल के अंदर घुस गया और फरवरी 2 तारीख को शाम का टाइम ताला तोड़ दिया। ताला तोड़ने का बाद मैंने जब फ़ोन किया पीआई दलवी को तो उन्होंने बोला ट्रेसपासस के लिए केस लेने के लिए आप चौकी आओ। मैं पवई पुलिस स्टेशन पहुंचा तो दलवी साहब बोलने लगा कि सीनियर पीआई मना कर रहा है कि इसमें एफआईआर ट्रेसपासस का हम नहीं ले सकता है, आप एप्लीकेशन दो। मैंने कंट्रोल कॉल किया जिसका कंट्रोल नंबर है, तो कंट्रोल ने गाड़ी नंबर 2-3 हवलदार को भेजा ड्रेस का साथ। तो जैसा ड्रेस का हवलदार का साथ मैं मेरा रेस्टोरेंट में अंदर आया, इतना में ये जो सब सैमसन सुकुमार कैल्विन जोशुआ और अपना बच्ची सिंह ये सब ग्रुप गैंगस्टर वाले लोग चॉपर और रिवॉल्वर का बैक साइड से मेरे को अटैक किया, सर में और मेरा पैर में, और मेरा करीबन 1.5 लीटर ब्लीडिंग गया, मैं अनकॉन्शियस हो गया। और ये होने का बाद जो मेरे को 20 टाका सर में लगा था 3 जगह पे, और उसका बाद मेरे को राजावाड़ी लेके गया। राजावाड़ी से वो बोला इधर हमारे पास पूरा मशीनरी नहीं है, तो मेरे को सैन शिफ्ट किया है लोग ने, सैन शिफ्ट किया। तभी उधर ऑन द स्पॉट में सैमसन सुकुमार नीलोफर शेख और 3 लेडीज़ को पकड़ा था जिसका नाम FRA में लिखा है, जो पवई पुलिस स्टेशन का CCTV में दिखता है। और उसका रात का 1:30 बजे उनको रिलीज़ किया विदाउट डायरी बना के इलीगली इन्फ्लुएंस का थ्रू से। मैं दूसरा दिन पुलिस ने यहाँ आके स्टेटमेंट लिया, लेकिन मेरा कोई खून का कपड़ा पंचनामा नहीं लिया। और वो लेने का बाद 307 केस होता था, और प्रशांत शर्मा और हीरो चोला बाहर गाड़ी में बैठ के दारू पी रहा था, जो प्लानर था 120B में आता था वो भी नहीं लिया, और वो सब का नाम मैंने दिया था। ये लोग 326 में केस बना के आज तक किसी को अरेस्ट नहीं किया और आज तक कोई प्रोसीजर नहीं किया, हर एक टाइम झूठा आश्वासन देता। मैंने लेटर प्राइम मिनिस्टर से लेके चीफ मिनिस्टर से लेके माइनॉरिटी में, मैं माइनॉरिटी में आता है, वहाँ से भी मुझे हियरिंग के लिए बुलाया। नहीं, मैंने पहला लेटर मुझे मिला MP गजानंद कीर्तिकर से, उनसे लेटर मिला, वो बोला ये केस 307 में होना चाहिए, उसका लेटर का कॉपी है और ये मारानन ज़्यादा हो गया है। उसका बाद मेरे को RPI का लोग से भी लेटर मिला और रामदास आटोले साहब का लेटर मिला
कि ये 307 होना चाहिए, लेकिन इतना होने के बाद और सेंट्रल मिनिस्ट्री से भी लेटर आया और इधर भी से भी लेटर आया डीजी ऑफिस ह्यूमन राइट से, लेकिन ये लोग आगे कोई प्रोसीजर करने तैयार नहीं। क्या कह रही है अभी इस मुद्दे पे, क्या कह रही है? बोला हम लोग इन्विगेशन करता है, इसमें देखता है, लेकिन अभी 11 महीने हो गया कोई भी प्रोसीजर नहीं हो रहा है, कोई इन्विगेशन नहीं हो रहा है। और जो आपका होटल है वहाँ पे कौन लोग रहे? हाँ, ये जो सैमसन सुकुमार ये गैंग को लेके, इसका कोई उधर मतलब नहीं है, वो डेली उधर से पैसा कलेक्शन करता है, क्रिमिनल को बिठाता है, लेडीज और जेंट्स को, और इलीगली काम करता है, एक्सट्रोशन कर रहा है, और 24 आवर्स होटल चला रहे हैं लोग डे एंड नाइट। आप जाते हो तो आपको क्या बोलते हो? नहीं, मुझे पहले इंस्ट्रक्शन पावर पोल्यूशन सीनियर पिया दिया ला, अगर मैं जाएगा तो तुम्हारे ऊपर केस ले आ जाएगा। मतलब आप अपने दुकान अपने होटल पे जाते हो तो आपके ऊपर केस हो जाएगा? केस हो जाएगा। और मैं जैसा अनकॉन्शियस हो गया उस दिन मारा, उसका 2 दिन का बाद क्रिमिनल नीलोफर चेक ने, गलत नाम है, गलत एड्रेस है शिवाजी नगर का, उसने 354 केस डाल दिया मेरे ऊपर। और उसका बाद पुलिस ने स्टेटमेंट दिया तीनों कांस्टेबल में कि मैंने किसको लेडीज़ को हाथ लगाया, तो कांस्टेबल नहीं बोला जो सीसीटीवी में पावर पोल्यूशन दिखता है, लेकिन वो लेडी का असली नाम रेशमा सैयद शेख है जो क्रिमिनल मुमरा में रहती है। ये जो आपका ये जो केस है ये किस वजह से हुआ है, ये क्या मतलब क्या प्रॉब्लम हुआ कि आप लोगों का दुश्मनी हो गया? ये मैं 30 साल से चलाता है। क्या मेरा शॉप? हाँ, किस चीज का है वो? ये फास्ट फूड और पान शॉप पे। अच्छा, चाय और नाश्ता सब। हाँ, ये जो मिलता हाँ, है हाँ, ये मैं पहला भाड़ा देता था रेंटल में। हाँ, लेकिन 2008 ने हमने खरीद लिया, इसमें कैल्विन और हीरो चावला पार्टनर आया। अच्छा, पार्टनर। हाँ, इनको मैं मंथली भाड़ा देता था। अच्छा, ऐसा है। अभी वो लोग बोलता है ये प्रॉपर्टी सेल करना है। हाँ, और आप उसमें जब साइन करो। अच्छा, या तो आप हट जाओ, आपको कुछ पैसा देता, हमको मार्केट में सेल करना है। अच्छा, तो इस वजह से आप लोगों में खटास आ गया? हाँ, खटास आ गया। ऐसा है, पुलिस सब मौजूद थे, 3 कांस्टेबल ड्रेस का साथ मौजूद था सामने, तो वो लोग ने छुड़ाया नहीं, छुड़ाया नहीं, कुछ नहीं किया, 2 भाग गया, 1 साइड में रुक गया। तो मतलब प्लानिंग के साथ में आपको उधर बुलाया गया और उधर आपको मारा गया। हाँ, हाँ। तो आपके साथ में कौन था उधर? मेरा साथ में कौन लोग थे? नहीं, कोई नहीं, मैं अकेला था। हाँ। और गाड़ी में मेरा सर्वेंट बैठा था। हाँ। और कुछ लेडीज और ये लोग था। लेकिन किधर किधर लगा आपको? सर में लगा। कितना टाका पड़ा है? ये टोटल 20 टाका गिरा है। अच्छा, उसका सब डॉक्यूमेंट्स तो होगा? सब राजौड़ी हॉस्पिटल, सैन हॉस्पिटल, नायर हॉस्पिटल, तीनों का मेडिकल पेपर है। अच्छा, जब आपको मारा गया तो हर आज के तारीख में हर पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरा है, तो उसका कुछ फुटेज वगैरह नहीं दे रहे? हमने मांगा, आरटीआई भी मांगा, दे रहा नहीं है। पवे पुलिस स्टेशन कोई कॉपरेट नहीं कर रहा। अभी फिलहाल क्या बोल रहे हो? इन्विगेशन चालू है, और इन्विगेशन पूरा होएगा तो हम अरेस्ट करेगा। अच्छा, अभी जो आपका जो दुकान है वहाँ पे क्या चल रहा है, कौन चला रहा है वहाँ? ये अभी सैमसन सुकुमार है। हाँ। जिसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ। ये कुछ लोगों को, गैंग वाला हाफिज अंसारी। हाँ। और ये मकबूल मूसा शेख। हाँ। बच्चा सिंह ठाकुर। हाँ। और कोई लोग को लेके उधर जबरदस्ती पैसा ले रहा है, और नीलोफर शेख रोज आके ये लोग क्रिमिनल बैठता है उधर। ये तो इसका सब पेपर तो पूरा आपके नाम, मेरा नाम से, मतलब लीगली आप उसके ओनर है। हाँ, फिर भी आपको ये नहीं हो रहा है? नहीं, नहीं जाने दे रहा है वो लोग। जो आपका शॉप आपके हाथ में नहीं मिल रहा है? नहीं। हाँ, अभी उधर क्या, कौन सा बिजनेस चल रहा है वहाँ? अभी उधर पान का शॉप, चाय का है, तंदूर है, शर्मा है, और ये फ्रैंकी वगैरह। वही लोग चला रहे हैं और किसी को दिया है उन्होंने? नहीं, वही चला रहे, वो लोग क्रिमिनल लोग बैठ रहे हैं उधर। तो पुलिस पुलिस क्या बता रहे इसके बारे में? उनको जब भी फोन किया 100 नंबर करीबन नहीं नहीं बोलेगा तो 200 कॉल किया, पुलिस आता है, बोलते है मिलता नहीं, वो लोग भागता है, ये जवाब देते हैं हमें, वो लोग भाग जाता है। हाँ। तो एक दिन बोलने का मेरे साथ में चलो देखो उधर क्या है वो, उसके लिए रेडी नहीं। मैं काफी बार बोला, वो इन्विगेशन चालू है तब पकड़ेगा। अभी पुलिस आने से वो भाग जाता है, ये मतलब ये तो टाइम निकालने वाली बात है। टाइम निकालने वाली बात, गाली गलौज दिया, फिर उसके बाद पवई एरिया में मारा साकेना का, फिर एलएनटी को उधर मारा कि वो बीच में आपको छुड़ा रहा था क्या? उन्हें वो बोलता उसको यहाँ छोड़ के जाओ, तुम भागो। क्यों? तुम नहीं इधर काम करने का। क्यों, क्या बात है? क्योंकि मेरे को अकेला रहने दो, और तुम काय को इसमें गिरता है, तुमको मंथली। अच्छा, मतलब आपको उधर ही रहने दो अकेले को। हाँ, हाँ, वो बीच में नहीं आएगा, नहीं आएगा। फिर ये लोग कुछ नहीं लिया, तो हमने इसका एप्लीकेशन उसने एसटी एसटी ऑफिस
वर्ली में किया, अभयंकर का साहब, उन्होंने ऑर्डर दिया इसका केस रजिस्टर्ड होना चाहिए, सब नाम भी दिया, तो भी पवे पुलिस ने केस रजिस्टर्ड, उसको जातिवाद से गाली भी दिया। अच्छा। उसको मारा भी गया। हाँ। और गंदा गंदा जो जात को पर गाली दिया। अच्छा। और उसको बोला यहाँ से चले जाके भागो, लेकिन उसने, हमने एप्लीकेशन किया जो जातिवाद का वर्ली में ऑफिस है अभयंकर साहब। अच्छा। तो उसने ऑर्डर दिया। हाँ। और कि इसका केस रजिस्टर्ड करो करके। अच्छा, वो लड़का एससी कास्ट है। अच्छा। उसका एट्रोसिटी के लिए आपने ये किया है। और एट्रोसिटी लेना करके ऑर्डर दिया है उन्होंने अभयंकर साहब, जो राज्य मंत्री का पद होता है उनका। अच्छा, आप अभी क्या गुहार लगाना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से? हमें जस्टिस मिले और कल्प्रिट अरेस्ट हो जाए। कितना साल हो गया इस चीज को? 11 महीना हो गया, अभी तक एक जन को भी अरेस्ट नहीं किया। अभी भी उधर घूम रहा है एरिया में, और चौकी में जाके ऑफिस वालों को मिलता है, और हफ्ता भी देता है।